वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, उनको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में फेलियर हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी सारी संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं। एक्चुअल में वो एक गलतफहमी के शिकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से हमारे लाइफ में हर मोमेंट में एक नई संभावना होती है। देखिए, इससे पहले कि मैं इसके टेक्निकल इशू पर बात करूं, आपको मैं ये बता दूं कि जैसे हमको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, सपोज हमारा तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, हम थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिए, एक्सीडेंट हो गया, शरीर में चोट लग गई, ये सब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिजिकल चेंजेस हमको दिखता है, लेकिन हमारे ब्रेन में जो चोट लगते रहता है, हमारे मस्तिष्क में जो परिवर्तन आते रहता है, हम उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम अपने लाइफ को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे लाइफ में डिप्रेशन क्यों आता है, उसके वजह क्या है, और उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, हम उसे कैसे उबर सकते हैं, हम अपने डिप्रेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस मैटर पर आज मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले कि मैं डिप्रेशन पर टेक्निकल बात करूं, मैं ऐसे दो महान लोगों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा जिनके भी लाइफ में कभी डिप्रेशन आया, लेकिन उन्होंने उसको इतना अच्छा मैनेज किया और लाइफ के शिखर तक पहुँचे, महानतम लोगों में वो शामिल हुए, जिनमें मैं पहले आपसे जिक्र करूँगा स्वामी विवेकानंद जी। आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को पूरे भारत के भ्रमण करने के लिए कहा और स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण में पैदल निकल गए। जब वो भारत भ्रमण करते हुए भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पर पहुँचे, तो कन्याकुमारी पहुँचने पर उन्होंने सोचा कि मैं पूरे भारत का जब भ्रमण किया तो मैं हर जगह भूखमरी देखा, लोगों को भूख से मरते हुए देखा, बंगाल में बहुत खराब कंडीशन था उनके खुद के स्टेट में, अशिक्षा थी, हर जगह लोग परेशान थे, तो वो बहुत दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद वो इतने डिप्रेशन में आ गए, उनके मन में ऐसा आने लगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। और वहाँ एक मंदिर था कन्याकुमारी में, आज भी वो मंदिर है, कभी आपको जाना होगा तो आप जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, या आप में से कुछ लोग गए होंगे। तो उस मंदिर में वो जा के बैठे, वहाँ जो मंदिर में जो संत थे, सन्यासी थे, उनसे उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उस सन्यासी ने उनको कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम इन लोगों के इनकी पीड़ा दूर कर सको, मानवता के लिए कुछ कर सको। स्वामी विवेकानंद जी ने वो बहुत डिप्रेशन में आने के बाद समुद्र में उन्होंने छलांग लगा दी। और पता है आपको, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को तैरना आता था बहुत अच्छी तरीके से, वो डूबे नहीं और तैरते तैरते समुद्र में बहुत दूर तक चले गए, और आगे उनको एक चट्टान जैसा कुछ दिखाई दिया जिसको आज हम विवेकानंद रॉक्स के नाम से जानते हैं। वहाँ पर वो पहुँचे और ये बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी वहाँ 7-8 दिन तक ध्यानस्थ अवस्था में रहे, वहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोबारा वो आए और उसके बाद उन्होंने दुनिया को क्या दिया, ये सब आपको पता है। अपने डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया। दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान इंसान मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनके लाइफ में भी एक बार ज़बरदस्त डिप्रेशन आया। वो जब एरोनॉटिकल फिजिक्स में PG करने के बाद पायलट बनना चाहते थे, उनका एम था लाइफ का, मुझे पायलट बनना है, और इसलिए वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू में पहुँचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। और कलाम जी इतने डिप्रेशन में आ गए, उनको लगा कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, और वो रामेश्वरम वापस आने के बजाय वो हरिद्वार चले गए। विंग्स ऑफ फायर यदि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपको वहाँ पता चलेगा। हरिद्वार जाने के बाद उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो एक सन्यासी के आश्रम में चले गए, स्वामी शिवानंद, वहाँ उनके पास बैठे और उन्होंने वहाँ अपनी
अपने प्रॉब्लम्स बताए, अपनी व्यथा बताई। पता है स्वामी जी ने उनको सिर्फ एक छोटी सी बात कही और कलाम जी का पूरा जीवन बदल गया। उन सन्यासी ने उनसे कहा कि शायद ईश्वर तुमसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है, उसने तुम्हारा चयन कुछ बड़ा काम, कुछ महान काम करने के लिए किया है, इसलिए तुमको छोटा लक्ष्य नहीं मिला। बेटा तुम आगे कोई बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। और कलाम जी ने उस बात को पकड़ लिया, डिटरमाइन हो गए कि शायद यही सच्चाई है कि मैं इस दुनिया में कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद कलाम जी कहाँ तक पहुँचे आप सबको पता है। यदि आप कभी ध्यान से विंग्स ऑफ फायर पढ़ें तो विंग्स ऑफ फायर के लास्ट पेज में कितनी सादगी से कलाम जी ने इस बात को लिखा है कि आज यदि मैं अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाना चाहूँ कि मेरे जीवन में क्या उपलब्धि रही, तो मेरे पास गिनाने को कुछ नहीं है। ना मेरा कोई बड़ा बंगला, ना मेरा कोई घर, ना पत्नी, ना बच्चे, ना ऐसा कोई चीज़ जिसको मैं बता सकूँ ये मेरा है। लेकिन मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसके लिए ऊपर वाले ने मेरा चयन किया, इसलिए मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लोगों के भी लाइफ में डिप्रेशन आया, लेकिन उन्होंने कितना पॉजिटिव लिया उसको और किस हाइट तक पहुँचे। तो आज मैं जो टेक्निकल आपसे बात करूँगा कि लाइफ में हमारा डिप्रेशन आता है, हम उसे ओवरकम नहीं कर पाते, उसे उबर नहीं पाते, और इवन हमको सोसाइटी में ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं कि लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड जैसे रास्ते पर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत पीड़ादायक है। ये हम आम दिनों में इस तरह की घटना, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उसे उबर नहीं पाते। मैं आज आपसे बात करूँगा कि एक्चुअल में लाइफ में डिप्रेशन आता क्यों है, डिप्रेशन आने के वजह क्या होते हैं। डिप्रेशन आने के तो वैसे बहुत से वजह हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो साइकोलॉजी में पढ़ा है, एक्चुअल में तीन विषय पर मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है, और मेरे चैनल में आप इन तीन विषय की वीडियो आप देखते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। जब मैं साइकोलॉजी में पीजी कर रहा था तो फाइनल ईयर में मेरा एक पेपर पर, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी पर मेरी स्पेशलिटी थी, उस पर एक टॉपिक था डिप्रेशन। आज मैं उसी पर टेक्निकल आपसे बात कर रहा हूँ कि लाइफ में डिप्रेशन आता क्यों है। डिप्रेशन आने के जो सबसे बड़ा वजह हमारे लाइफ में होता है वो है हम लाइफ में कुछ टारगेट डिसाइड करते हैं, हमारा कुछ एम्बिशन होता है, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल यह है कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। और सपोज़ हमारे लाइफ में ये हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते, या हम किसी एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में फेलियर हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक चांस समाप्त होने के बाद आपकी पूरी संभावना समाप्त नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है डिप्रेशन में आने का, वो है हम सोसाइटी में कुछ ऐसे रिलेशन बना लेते हैं जिन रिलेशन को हम मैनेज नहीं कर पाते, ये संबंध हम मैनेज नहीं कर पाते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इन संबंधों को मैनेज नहीं कर पाने के कारण भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसे रास्ते को अपना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वैसे तो और बहुत से रीज़न हैं, ये दो मेजर रीज़न पर मैं आपसे बात किया। और अब आपसे मैं बात करूंगा कि यदि इस तरह का डिप्रेशन हमारे लाइफ में आ जाए तो हमको करना क्या है। एक्चुअल में जब डिप्रेशन में आता है इंसान, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। लेकिन मैं आपको पहला ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, यदि ऐसा आपके मन में कभी आए तो आप कुछ मत करिए, चुपचाप आप अपने घर से निकलिए, और यदि आसपास आपके कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, ना हो तो दूर चले जाइए और हॉस्पिटल घूमने चले जाइए। वैसे तो हम अपने लाइफ में गार्डन में और टूरिस्ट प्लेस में बहुत घूमने जाते हैं, मेरा आपको एक सजेशन है, एक दिन हॉस्पिटल घूमने चले जाइए। किसी बड़े हॉस्पिटल को जब विजिट करके आप बाहर निकलेंगे तो पता है आपको कैसा लगेगा। आप जब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग जीवन मृत्यु के लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने शरीर के किसी अंग को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, और आप एक स्वस्थ इंसान हैं, आप कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, कितनी संभावना है आपके पास। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, कि मैं स्वस्थ तो हूँ, फिर भी इंसान डिप्रेशन में होता है, कितनी गलत बात है। तो वहाँ से आप घूम के आइए, आपका सारा सोच बदल जाएगा।
दूसरा जो मैं आपको ओवरकम करने का तरीका बताता हूँ वो है कि हम एक बहुत बड़ी गलती अपनी लाइफ में करते हैं कि हमारे लाइफ में जब हम प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में तो हम उनको उसको प्रॉपर सही जगह शेयर नहीं करते। इंसान ऊपर वाले ने इंसान को दो ऐसे शख्स दिए हैं जहाँ पर जाके हम यदि अपने प्रॉब्लम को रखें तो 100% आपको वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं किन दो इंसानों की बात कर रहा हूँ। वो है हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमको इस दुनिया में लाया। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ कि आपसे कोई ब्लंडर मिस्टेक भी हो गया है, आपने कोई बड़ी गलती कर ली है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के पास जाकर उसको शेयर कर लें तो वहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही। लास्ट मोमेंट तक आपको उस प्रॉब्लम से उबारने के लिए अपना वो सब कुछ लगा देंगे। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि आज मैक्सिमम लोग अपने प्रॉब्लम्स सिर्फ अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते और पूरी दुनिया में सबके साथ शेयर करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम मैक्सिमम केस में सॉल्व नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। और दूसरा सॉल्यूशन मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को टू बी वेरी फ्रेंक आप शेयर करिए और साइलेंट बैठ जाइए, सारा सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिलेगा। फिर भी हम लाइफ में डिप्रेशन से उभर नहीं पाते, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उससे उभरने के, उसके बाद भी हम नहीं कर पाते। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन आना स्वाभाविक है, वही जिंदगी है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं हार्ट चेक कराने के लिए तो डॉक्टर हमारा ईसीजी करता है, तो आपने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा, जिग जैक मिलता है। यदि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले दैट मीन्स हार्ट काम करना बंद कर दिया। दोस्तों लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है कि लाइफ में जब तक अप्स एंड डाउन है तभी तक वो लाइफ है। जिस दिन हमारा लाइफ में अप्स एंड डाउन आना बंद हो जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समझ लीजिए जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ बड़ी बात नहीं है ये। आज मैंने इस वीडियो को बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि अपने सराउंडिंग में मैं कुछ इस तरह के केसेस देखता हूँ जिससे मुझे सुन के उनके बारे में पढ़ के बहुत पीड़ा होती है और मैं समझता हूँ कि क्यों ऊपर वाले के दिए हुए हम इतने बड़े गिफ्ट को इतनी आसानी से समाप्त कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊं कि कभी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आप असफल हो गए, असफलता भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो मैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये जो संदेश है या उनके जीवन पर बीती इस घटना को आपसे शेयर करूं, और प्लीज़ कभी आपको अपने जीवन में डिप्रेशन आए तो ये इस वीडियो में मैंने आइंस्टाइन के बारे में जो बात बताई थी उसको आप जरूर याद कीजिए, तो आपको लगेगा असफलता जैसे लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं होती। हम जिंदगी में हर पल सक्सेसफुल हैं, हम जी रहे हैं, यही हमारी सफलता है। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया तो वहाँ की स्थिति कैसे हो गई। इस घटना के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन डिप्रेशन में चले आए। आइंस्टीन को लगा कि यह घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने ही मास एनर्जी इक्वेशन दिया था E=mc² और ऑटो हान ने इस प्रिंसिपल को लेकर बम बनाया था और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और इस तरह आइंस्टाइन डिप्रेशन में आ गए और इस दौरान अपने लैब में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन बार बार उस एक्सपेरिमेंट में वो फेलियर हो जा रहे थे। जब वो कई बार उस एक्सपेरिमेंट में फेलियर हो गए तो उनके असिस्टेंट ने एक दिन परेशान होकर बोला, सर आप इस एक्सपेरिमेंट को प्लीज़ अब बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो पाएंगे, अब आपका माइंड का शार्पनेस वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आइंस्टीन मुस्कुराए और बोले कि अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। तब तो असिस्टेंट को लगा कि आइंस्टीन को तो पूरा दिमाग ही खत्म हो गया। एक इंसान बोलता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने पूछा फिर आप कर क्यों रहे, बोले मैं इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इतने तरीके बता के इस दुनिया से जाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता इसलिए आने वाला जनरेशन उस तरीके पर चल के अपना टाइम वेस्ट मत करे। आप समझ सकते हैं कि महान लोग कितने पॉजिटिव होते हैं। यदि मैं एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं भी हुआ तो लोगों को ये तो बता सकूंगा कि इस तरीके से प्रयास मत करना, मैंने किया था। फिर कैसा डिप्रेशन। तो दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि जिंदगी भर किसी चीज को पाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो
तो वो भी एक सफलता है, क्योंकि अपने काम में आप इंजॉय तो कर रहे हैं, आप मजा तो ले रहे हैं। इसलिए आप लाइफ में फेलियर कभी नहीं होते, आप हर पल सक्सेसफुल हैं। सिर्फ मैं फेलियर सिर्फ उन लोगों को मानता हूं जो एक बार फेलियर होने के बाद दोबारा स्टार्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखते। कोई दिक्कत नहीं कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, सवाल यह है कि आप दोबारा प्रयास करने का साहस रखते हैं कि नहीं। और यदि आप दोबारा प्रयास करने का साहस रखते हैं तो आप तो फेल कभी हुए नहीं, बस अपने अपने एक चांस मिस किया है, आप फेलियर नहीं हुए। तो दोस्तों ये बात आप मेरे ध्यान से सुनेंगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।